नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। एमएलसी पूर्व जयेश प्रसाद ने आलागंज में समाजवादी पार्टी के चुनाव कार्यालय फीता काटकर उद्घाटन किया। जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी पूर्व विधायक नीरज मौर्या कुशवाहा के आलागंज चुनाव कार्यालय का एमएलसी पूर्व जयेश प्रसाद ने फीता काटकर उद्घाटन किया। प्रत्याशी पूर्व विधायक नीरज मौर्या कुशवाहा को बधाई दी। इस दौरान एमएलसी पूर्व जयेश प्रसाद ने कहा कि आज वोटर समर्थक जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, सब समझती है, सब जानती है। जनता योगी सरकार की कार्यशैली नीतियों से नाराज है। जनता बदलाव चाहती है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। वहां पर सम्मानित लोगों व पार्टी के कार्यकर्ताओं से चुनाव में डट जाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है। सपा पार्टी की सरकार बनने जा रही है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख शकील खान, डॉक्टर नरेंद्र जी, कमलेश यादव, रामसेवक कश्यप, नगर अध्यक्ष अख्तर खान, लियाकत सैयद, हाजी रिजवान अली, सरताज खान अली, राहुल कुशवाहा, देवेंद्र सिंह कुशवाहा, नवाब हुसैन, शैलेंद्र आसिफ हुसैन, आलोक मिश्रा व कार्यकर्ता नदीम कुरैशी, शेर खान, नन्ने अंसारी पदाधिकारी लोग मौजूद रहे। मोहम्मद अनीस अहमद की खास रिपोर्ट। पिछले 5 साल पुलिस वालों ने कितना उत्पीड़न करा होगा आप लोगों का मैं समझ सकता हूँ। सुनने वाला था ना सरकार सुनने वाली। आज आपको 14 तारीख को नीरज मौर्या जी, और मुझे पूरा विश्वास है अगर किसी सिपाही ने या किसी दरोगा ने या उनके कार्यकर्ता पे उंगली भी दिखा दी तो उंगली तोड़ने का काम ये करेगा।